करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल्स यूनिवर्सिटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें पहला जो सेक्शन है ह्यूमन आई, आदमी की आंख, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आदमी की आंख जो होती है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके बॉडी के अंदर, जो गॉड ने आपको गिफ्ट दिया है, भगवान का एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट है आपके लिए, जो कि जिसको कि हम कहते हैं आई, क्योंकि इसकी वजह से आप दुनिया देख सकते हो, सराउंडिंग का कलरफुल वर्ल्ड देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है डिवाइस वही है ह्यूमन आई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ह्यूमन आई, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ह्यूमन आई जो होता है उसका अगर जूम इन करके व्यू लिया जाए तो वहां पे तीन टाइप के फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं, और वो जो तीन टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं उसमें व्हाइट वाला पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा, ओके। तो आउटर व्हाइट जो सेक्शन होता है आपके आईज के अंदर उसको बोलते हैं हम स्क्लेरा, और जो उसके अंदर जो बड़ा ब्लैक डार्क पोर्शन आता है, ब्लैक नहीं होता है, डार्क होता है, कि हर एक का कलर अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं हम आयरिस। आयरिस के अंदर जो और एक छोटा सा डार्क और ज्यादा डार्क कलर का सेक्शन होता है, सर्कुलर होता है, उसको बोलते हैं हम प्यूपिल। ये कैमरा के लेंस की तरह एक्ट करता है। जब लाइट का ब्राइटनेस ज्यादा होगा तो लाइट एंटरिंग इनटू द आई विल बी ऑफ हाई इंटेंसिटी, उस वक्त उसका जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी कम होगा, जैसे कहते हैं हम डिम लाइट, तब उसका डायमीटर जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कम लाइट की वजह से इमेज फॉर्मेशन आपके आईज के अंदर नहीं हो सकता। नाउ वेयर डज दिस इमेज इज फॉर्म एंड हाउ इट इज फॉर्म, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ह्यूमन आई, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहला पोर्शन जो आउटर सेक्शन होता है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ऐसा डायग्राम होता है आईबॉल का डायमीटर जो होता है रफली 2.5 सेंटीमीटर होता है, और आईबॉल का जो स्ट्रक्चर है उसको जानेंगे तो सबसे बाहर वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। कॉर्निया के आगे जो पोर्शन होता है वो है आयरिस एंड प्यूपिल। तो आयरिस प्यूपिल जैसे मैंने पिछले डायग्राम में आपको बोला था वही होता है। उसके आगे होता है आपका क्रिस्टलाइन लेंस जिससे इमेज फॉर्मेशन होता है। फिर आगे होता है स्क्रीन ऑफ द आई, जो लास्ट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम रेटिना। लेंस से रेस कॉन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर जब इंसिडेंट होता है तब इमेज फॉर्मेशन होता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए लेंस के बाजू में दो टाइप के मसल्स होते हैं दोनों साइड में, उसको बोलते हैं हम सिलियरी मसल्स। और रेटिना जो होता है वो ऑल कलर्स ऑफ लाइट को सेंसिटिव होता है, और रेटिना के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होके इमेज फॉर्म करेगा उसका जो सिग्नल है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के ऊपर या फिर ब्रेन की तरफ भेजा जाता है ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन मिले। तो ये सिग्नल कैरी करने का काम जो ऑप्टिक नर्व सेल्स होते हैं उसके रॉड्स एंड कोन्स का स्ट्रक्चर सेक्शन होता है वो इस सिग्नल को आगे कैरी करते हैं। नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के अंदर और दो टाइप के मटेरियल होते हैं। तो पहला जो है वो है एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया और लेंस के बीच में रहता है। दूसरा है विट्रस ह्यूमर जो क्रिस्टलाइन लेंस के पीछे के पोर्शन में रहता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन आई के अंदर कैसे होता है वो अभी देखेंगे हम। तो जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होते हैं कॉर्निया के ऊपर उसका थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वो फिक्स रहता है हमेशा। तो इसकी वजह से रेज जो है थोड़े कॉन्वर्ज होके प्यूपिल के ऊपर स्ट्राइक होते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन टू द प्यूपिल दे स्ट्राइक टू द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई। अभी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है वो रेज कॉन्वर्ज हो जाएंगे रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। रेटिना के ऊपर जब उसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है उसका सिग्नल ब्रेन को पास किया जाता है, और ब्रेन को जो सिग्नल जाता है वो कौन कैरी करता है, तो वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व कैरी करने का काम करते हैं, और ऐसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अभी आपको सवाल होगा कि क्लोजर ऑब्जेक्ट है आपके आई के या फिर बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट है, दोनों केस में इमेज फॉर्मेशन फिक्स कैसे हो रहा है या फिर कैसे आपको इमेज फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल रहा है।
तो यहाँ पे आई लेंस जो होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, उसका जो फोकल लेंथ होता है वो एडजस्टेबल है। फोकल लेंथ क्यों एडजस्ट कर सकते हैं हम? बिकॉज देयर आर सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स उसको इलोंगेट भी कर सकते हैं, कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। अभी ये जो फोकल लेंथ चेंज करने का प्रॉपर्टी है आई लेंस का ड्यू टू सीलियरी मसल्स, इसको कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। और पावर ऑफ एकोमोडेशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ एडजस्टमेंट का काम जो कर रहा है प्रॉपर्टी ह्यूमन आई का, उसको कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ये एकोमोडेट करने का प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन आई के पास ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा क्लोजर होगा तो उसका इमेज आप देख नहीं पाते हो, जैसे बहुत ही ज्यादा क्लोजर है तो उसको आप देख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड डिस्टेंस है जिसके आगे आप इमेज फॉर्मेशन या फिर इमेजेस क्लियरली देख सकते हो, तो उस डिस्टेंस को कहते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या फिर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके बारे में बोर्ड में सवाल भी आ सकता है। तो वो जो होता है ह्यूमन आई के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको कहते हैं हम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई, दैट इज 25 सेंटीमीटर। नाउ फार पॉइंट, इसको नियर पॉइंट भी बोला जाता है 25 सेंटीमीटर वाले को। फार पॉइंट क्या होता है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस जहां तक आप देख सकते हो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? तो पहला है एडमिटिंग एप्रोप्रिएट लाइट इनटू द आई, हाँ। दूसरा फंक्शन है रिफ्रैक्टिंग द लाइट टू फॉर्म द शार्प इमेज, और लास्ट है कलेक्टिंग एंड सेंडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज टू द ब्रेन एंड फर्दर प्रोसेसिंग। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे पहला डिफेक्ट ये होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नजदीक होके भी इंसान को दिखते नहीं है, इसको कहते हैं हम नियर साइटेडनेस, ठीक है। और इस डिजीज को बोला जाता है मायोपिया। इस डिजीज में क्या हो रहा है, रेज फॉलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ऑन टू द लेंस आर गेटिंग कॉन्वर्स्ड इवन बिफोर द रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्म होने से पहले ही वो कॉन्वर्ज हो जाते हैं, नॉर्मल पर्सन के लिए वो रेटिना के ऊपर ही कॉन्वर्ज होते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को ये डिफेक्ट हुआ है तो वो जो रेज कॉन्वर्ज होते हैं वो रेटिना के ऊपर नहीं होते। इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, ठीक है। कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्ज करके आगे कॉन्वर्ज करवा देगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट है नियर साइटेडनेस, सॉरी फार साइटेडनेस, जिसको कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे आने वाले रेज जो होंगे लेंस के बाद जब कॉन्वर्ज होंगे वो रेटिना के पीछे कॉन्वर्ज होते हैं। अभी रेटिना के पीछे कॉन्वर्ज हो रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इमेज उनका ठीक तरीके से फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इमेज तभी ठीक तरीके से फॉर्म होता है जब रेज जो है रेटिना के ऊपर कॉन्वर्ज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिसीज को अगर आपको क्योर करवाना है तो कैसे क्योर करवाएंगे, तो उसको क्योर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर पावर। कॉन्वेक्स लेंस ऑलरेडी उसको कॉन्वर्ज करके भेजेगा रेस को, और जिसकी वजह से वो आई लेंस को सपोर्ट करेगा और इमेज जो है रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे क्योर किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया। बढ़ते हैं अगले थर्ड डिफेक्ट की तरफ, जिसको कहते हैं हम प्रेसबायोपिया, इसको बोला जाता है ओल्ड एज मायोपिया। इसमें भी ऐसा हो रहा है ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, एज की वजह से सीलियरी मसल्स का जो डिसफंक्शनिंग होता है उसकी वजह से आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को वो जल्दी से एडजस्ट नहीं करता है, इसीलिए जो कॉन्वर्जेंस होता है रेस का वो या तो रेटिना के पहले ही हो सकता है या फिर रेटिना के पीछे भी हो सकता है। तो ऐसे केस में वहां पे डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है यूजिंग ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, जिसकी वजह से आपका स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएगा। लास्ट डिफेक्ट है बच्चों, जो आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम एस्टिगमैटिज्म। एस्टिगमैटिज्म में क्या हो रहा है, जब कोई भी रेज ऐसे परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन का जो रे रहता है वो रेटिना के ऊपर कॉन्वर्ज होता है और
जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कर रहे होता है वो रेटिना के पहले ही कॉन्वर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीइंग होता है, विजन का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं हम एस्टिगमेटिज्म। अगर आपको जनरल उसका आइडिया लेना है तो ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन जो दिखना चाहिए आपको वो थोड़ा कर्व दिखता है, इसको कहते हैं हम एस्टिगमेटिज्म। ओके, तो यहां पे हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, घर पे ही रहना है, सेफ रहना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।